पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तेरा सामना सिर्फ रिश्वत खोर पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। क्या होगा नैना और सिंघम का, पाकिस्तानी आर्मी या कोई और ही है इसके पीछे? क्या इन सब के पीछे है नैना का भाई? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमान, वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे सिंघम पहुंच चुका है पाकिस्तान नैना को बचाने के लिए। बचते बचाते वो वापस आ ही रहे थे कि पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। आज जानेंगे इसकी आगे की कहानी। सिंघम और नैना जैसे ही माइंस की सुरंग से भारत वापस आ ही रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाने लगे। इधर भारत में बिना अपने सीईओ के कंपनी के एम्प्लॉयज ने हड़ताल शुरू कर दी। अमित अग्रवाल ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो शांत ही नहीं हो रहे थे। उन्हें इसकी खबर ही नहीं थी कि इन सब के पीछे उनके बेटे राहुल अग्रवाल का हाथ था। वो एम्प्लॉयज से बोलकर हड़ताल करवा रहा था, जिसके दबाव में अमित अग्रवाल को अपनी कंपनी के लिए एक नए सीईओ को चुनना पड़े। और जैसा राहुल अग्रवाल ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मीडिया और एम्प्लॉयज के दबाव में अमित अग्रवाल को ऐसा ही करना पड़ा। अमित ने अपने छोटे बेटे को सीईओ बना दिया, लेकिन एक शर्त पर कि अगर नैना वापस आ गई तो सीईओ की पोस्ट उसे वापस मिल जाएगी। यहाँ पाकिस्तान आर्मी जो सिंघम और नैना को जेल में ले जाने की जगह कहीं और ही खुफिया जगह ले गई और वहाँ दोनों को बांध कर रख दिया। सिंघम को उनके व्यवहार में कुछ अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद सिंघम ने नैना को इशारा किया और उसे सोने की एक्टिंग करने के लिए बोला और खुद भी सोने की एक्टिंग करने लगा। सारे किडनैपर सोने चले गए और सिंघम ने अपने हाथ खोल लिए और नैना के भी। फिर वो बाहर निकलने लगे थे, तभी एक आदमी को उन्होंने किसी से बात करते सुना। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो और किसी से नहीं, नैना के छोटे भाई से बात कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान आर्मी के लोग नहीं थे, वो लोग भाड़े के गुंडे थे। सिंघम ने छुपके से गुंडे के बगल से गन ले ली और फायरिंग करने लगा। काफी देर तक उनमें आपस में बहुत लड़ाई हुई और सिंघम ने उन सभी को मार गिराया। दोनों भागकर एक कार से फिर से उसी माइन की सुरंग में पहुंच जाते हैं और दो दिन तक लगातार चलने के बाद वो भारत पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने आर्मी से कांटेक्ट किया और कश्मीर से होकर वो पंजाब के रास्ते दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां उन पर फिर से हमला हुआ, जिससे वो बच गए और सिंघम ने सबको मार कर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सबूत बनाकर मुंबई ले आया। सिंघम ने सारी बात अमित अग्रवाल को बता दी और अमित अग्रवाल ने राहुल को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल में डाल दिया। नैना को फिर से सीईओ बना दिया। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।